नमस्कार, स्वागत है आपका वीजीटी न्यूज पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मैं पहुंचा हूं टपरी में, सहारनपुर से सटी टपरी में मौजूद हूं। और यहां से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मायावती जी, बहन कुमारी मायावती, यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर भाषण दिया जा रहा है। और उस मंच पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखाया जाए कि उस मंच से कुमारी मायावती बहन जी यहां से भाषण दे रही हैं। और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहां पर जुट चुके हैं। और पीछे की तरफ भी मैं बोलूंगा कैमरा पर्सन से दिखाया जाए कि किस तरीके का हुजूम यहां पर जुट चुका है। और इधर भी दिखाया जाए कि किस तरीके से जो लोग हैं यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार जी। अच्छा, किस लिए आए आज यहाँ पे? बहन जी को देखने के लिए। बहन जी को देखने के लिए? किसकी सरकार बना रहे हैं? बहन जी की बना रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कमल की, कमल तो साफ है, उनके उत्तर प्रदेश से साफ है। अच्छा, कितनी तरह वोट पा पाएंगे, कितनी सीटें पा पाएंगे? बहन जी की अभी 300 बार। 300 बार है सपा वाले कह रहे हैं, हम 300 बार है। नहीं, भाजपा वाले हम कह रहे हैं 300 बार है। अब की बार बहन जी है 300 बार। ये तो आप भीड़ देख सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? आकाश कुमार जी। यस सर। आप किस लिए आए आज? बहन जी को देखने के लिए। बहन जी को देखने के लिए आए हैं? देख लिया। अच्छा, तो ये बताइए वोट किसकी तरफ जा रहा है? बहन जी की तरफ जी। हाँ जी। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं ये तालियों की गड़गड़ाहट। और वहाँ पर मंच पर कुमारी बहन मायावती यहाँ से जो है इस मंच को संबोधित कर रही है। और देख सकते हैं पीछे की तरफ में इस ये जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, इस तरफ जो है पुरुषों की कुर्सियां लगाई गई हैं। और इधर भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं कि किस तरीके का हुजूम जुड़ चुका है। और तालियों के साथ यहाँ पर बहन कुमारी मायावती के जो भाषण है उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज बहन मायावती आई है, यहाँ पर मायावती जी आई है, तो कितना वोट बैंक जुटा पाएंगी अब की बार? निश्चित तौर पर वोट बैंक तो पहले से बहन जी का जोगा तो है, लेकिन बहन जी के आने के बाद सर्व समाज का जो मनोबल बढ़ने का काम हुआ है और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको धराशार करने के लिए जो जोश बढ़ना था बहन जी का पूरा जोश भर चुका है। और निश्चित तौर पर सहारनपुर की जो सातों विधानसभा है वो निश्चित तौर पर बहन जी जीतने का काम करेंगे और हम सब बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। क्या समीकरण रहने वाले, जैसे आप स्टार प्रचारक बता रहे हो, क्या समीकरण रहने वाले, किस तरीके से वोट मिलेगा सातों सीटों पर सहारनपुर? बहन जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली है और हर आदमी का मान सम्मान करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी ट्रेजेडी है कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और जितने भी संप्रदाय के रोजगार खत्म कर दिए बहन जी, रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। पहले भी 2007 की जो सरकार बनी बहन जी ने रोजगार पर ध्यान दिया, इस बार भी रोजगार और सबका सम्मान, महिला सुरक्षा और 300 जो यूनिट बिजली जो बारे में बहन जी ने कही है, इन सब बातों को लेकर सब लोग हमारे साथ। हम ये नहीं चाहते, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब भी आती है ये नहीं चाहती कि लोग 5-5 किलो की लाइन में लगे। वो चाहते हैं बहन जी सबको रोजगार दे और स्वयं लोग अनाज खरीदकर अपना भरण पोषण कर सके। बहन कुमारी मायावती जी ने 300 यूनिट बोला है। 300 यूनिट बोल रहा है उन्होंने कि 300 यूनिट फ्री दी जाएंगे। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं 300 यूनिट, तो हम भी देंगे, इसमें क्या होगा जी? ये तो सबका हक है, सरकार के पास इस तरह की योजना है जो ताकि जनता का फायदा। उनको देख कर तो ही नहीं बोल रही है, उन्होंने बोल दिया तो ये समाजवादी गवर्नमेंट आती है तो निश्चित तौर पर एक गुंडा एलिमेंट शुरू हो जाता है जिसके अंतर्गत अपहरण, बलात्कार, जमीनों पर कब्जे, ये शुरू होता है सपा की सरकार में। लेकिन बहन जी की सरकार जब भी आते है गुंडे सब जेल के अंदर मिलते और माँ बहनों की सबकी सुरक्षा निश्चित हो जाती है। लोग तो कह रहे हैं योगी की सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। योगी की सरकार में भी, योगी सरकार ने रोजगार खींचने का काम करा है और महिलाओं के जो बलात्कार उन्होंने बैठ कर टीवी देखने का काम कर रहा, तो मिट्टी तेल का चला रहे हैं। योगी सरकार को सबने देखा है कि सरकार किस तरह काम कर रही है। किसानों के बारे में योगी सरकार ने देखो, जो वहां पर आवाज उठा उनके ऊपर गाड़ी चलाने का काम करा योगी सरकार के मंत्रियों ने। तो इस तरह की सरकार जब सब लोगों के बीच मारे, 10 साल से लोग त्रस्त है, तो निश्चित तौर पर इस बार बहन जी की सरकार बनने जा रही है और 252 सीटें बहन जी की डोली में उत्तर प्रदेश से जाएंगे और निश्चित तौर बहन जी 5 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आपकी बार है, मतलब दौड़ में है निश्चित तौर पर। धरातल पर इतने बढ़िया काम हो रहे हैं। किन 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 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? रोजगार के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर और सबसे बड़ा सर्व समाज का मान सम्मान को लेकर के बहन जी मैदान में है और निश्चित तौर पर सर्व समाज का मान सम्मान करेंगे और निश्चित तौर पर बहन जी की सरकार बनने जा रही है। दलित आ रहे हैं सारे अपने साथ? दलित 10 साल से बहुत परेशान है, उन्हें पता चले 10 साल के अंदर उन्होंने क्या खोया पाया सरकार में। जब पहली बार समाजवादी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने हमारा प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल था वो फाड़ा उन्होंने,
वो सबको पता है, पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक के बच्चों का वजीफा उन्होंने खत्म कर दिया। और इस सरकार ने भी जो हमारे बच्चे इंटर के बाद बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते थे, उन डिग्रियों को भी जो वजीफा मिलता है सरकार ने खत्म करने का काम किया है। तो सरकार को जड़ से उखाड़ फेरने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये समाज दलित विरोधी सर समाज विरोधी सरकार है। तो विपक्ष तो कह रहा है, भाजपा तो कह रही है कि हमने यूनिवर्सिटी दी है, पुहार काम है, लोगों को यहाँ पे एजुकेशन मिल पाएगी, पहले दिल्ली जाना पड़ता था और जगह जाना पड़ता। अगर इस सरकार की यूनिवर्सिटी देनी होती तो निश्चित तौर पर जब 5 साल पहले सरकार है इसको जब तैयार करते, लेकिन चुनाव के वक्त लॉलीपॉप सरकार ने जनता के बीच में दिया है। और इस लॉलीपॉप को सरकार और जनता के बीच के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार किस तरह का लॉलीपॉप दे रही है जनता को। यहाँ पे पहले बहन जी ने एमसी बनवाया, उसके अंदर कोई किसी प्रकार, इस सरकार ने, पिछली सरकार ने इसका नाम बदलने का काम करा था, लेकिन हम उसका भी स्वागत करते हैं। वो भी महान आदमी जिनके नाम से बना दलित समाज और समाज का सम्मान करता है, लेकिन निश्चित तौर पर धरातल में जो उसके अंदर काम होने चाहिए थे, जो मशीनरी डॉक्टर आने चाहिए थे, वो नहीं आए। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह जी, अच्छा किस लिए आया आज यहाँ पे? बहन जी के प्रचार के लिए आए। प्रचार के लिए? हाँ। अच्छा, कितना वोट बैंक मिल रहा है आपकी बार बहन जी को? वोट भरपूर मिल रहा। कितने सीट निकाल पाएंगे? 270। 270 निकाल पाएंगे? 270। कुछ तो कह रहे हैं 252। आप 270। अच्छा 270। योगी सरकार बहुत अच्छा काम करी है, कोई नहीं। 2007 की तरह ही बहुमत से सरकार बन रही। अच्छा, सरकार हम ही बनाएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे, हम हमारे बिना सरकार नहीं बनने की, हम चाबी हैं, ठीक है नी? किन मुद्दों पर वोट दे रहे हो भाई? विकास है, बहन जी ने जो काम किया वो काम है, वो सब जनता याद करती है कि बहन जी का शासन कितना अच्छा था, तो उस चीज को याद करती बहन जी, इस वजह सरकार बनाएगी। अच्छा, अब की बार दौड़ में है? अब की बार दौड़ में है? दौड़ में तो हर समय है, दौड़ तो हमेशा ही है, जो लड़ेगा वो दौड़ेगा ही, बिना दौड़ने के। बीजेपी भी कह रही है कि हमने इतना काम कर दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दी पुहार का में सहारनपुर के लिए। ऐसा वो जो काम कर रही बीजेपी वो हमारी नीतियों पे ही कर रही, जो हमने छोड़े थे उन काम को करने के लिए कर रही बीजेपी, तो गुणगान तो करेगी वो अपना। 300 यूनिट फ्री कह रही है बहन जी। बहन जी ने कब कहा 300 यूनिट? आपके कार्यकर्ता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा बहन जी ने। बहन जी ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दे रही कि जिससे जनता उन्हें फिर गलत साबित करे, ऐसा कुछ नहीं कह रही बहन जी। काम करेगी जैसे पहले किया, पूरे उत्तर प्रदेश में काम करेगी, सम्मान के साथ करेगी, दलितों के साथ, दलितों का काम करेगी और किसी का नहीं करेगी। संपूर्ण समाज का काम करती है बहन जी, जातिवाद पे काम नहीं करती, सबके हित में काम करती है, इसीलिए बहन जी को 270 सीटें मिल रही है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे भी बातचीत करके बताएंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बनने वाला है। और लगातार तस्वीरें आप बीजेपी न्यूज पर लाइव देख रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अब्बा जी किस लिए आए आज? किस लिए आए आज यहाँ? सुनने बहन जी की आवाज सुनने हैं। आवाज सुनने? कौन आ रहा है? मायावती बहन जी। मायावती बहन जी आ रही है? हाँ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? भाषण चल रहे हैं। भाषण चल रहे हैं उनके, अच्छे भाषण चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सुना कुछ एक अद्धा भाषण? अरे हाँ, क्या कुछ कहा? मतलब ये देखो, ये जो है दलित है, हैं, और भी मतलब इस जाति से जरा बहुत थोड़ा इसके साथ ही लगे हुए हैं, उनका बहुत तगड़ा शोषण हो रहा है, ऐसे भाषण हो रहे हैं। हाँ, तो दलितों के लिए काम कर रही है, सबके भाईचारे के लिए कर रही काम। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप वोट दोगे नहीं? हैं? आप वोट दोगे? हाँ, वोट। किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? हाँ, पहले से ही इनके पास वोट जा रहा। पहले से जा रहा? हाँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब मुद्दे नहीं है कुछ भी? है जी, मुद्दे कुछ नहीं है। क्या मुद्दे? कोई नहीं है आपके पास मुद्दे? चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है भाई, बबलू विधानसभा संयोजक हूँ, भाईचारा का, रामपुर मनियारान से। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए रामपुर मनियारान वाली सीट निकल रही है? 40,000। 40,000? 40,000 वोटों से जीत रहे, 1,00,000 पार। अच्छा, हाँ, तो किन मुद्दों पर वोट देनी चाहिए बहन जी? बहन जी ने, हम तो बोलते बंद कर दे, अगर कोई नोबे कहा भाई हम बसपा को वोट नहीं देते, क्या करे उसने बंद कहा जिस पर तो खड़ा है सड़क पर, पहले तो यही बनाई। और इन्होंने क्या काम करा भाजपा वालों ने, हमारे विधायक जी की जो हमारी बहन जी द्वारा जो सीसी टीवी हुई है उन पर अपने पत्थर लगा दिए, उस पर कोई बजरी नहीं डाल ली, कुछ नहीं। और हमने तो विकास करा भाई, आय दुगुनी किसानों की हमने करी, 112 रुपए से 250 रुपए करने का रेट हमने करा, आय दुगुनी हमने करी, स्वच्छ भारत अभियान,
वो बहन जी की देन है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री भारत अभियान तो ये कह रहे हैं मोदी जी की देन है। हमने दिया ना 1 लाख से ऊपर, लगभग 1,80,000 भर्ती करी सफाई कर्मियों की, तो वे साफ कर रहे, तो स्वच्छ भारत अभियान हमने दिया ना, वे तो खाली झाड़ू पकड़ कर पत्ते हिला रहे, वहाँ जहाँ कूड़ा भी नहीं है वहाँ। अरे सफाई कर्मी तो किसी और पे काम कर रहे हैं। बताओ जब प्रधानमंत्री, जब हमारा प्रधानमंत्री झाड़ू लगाओगा तो और लोग क्या करेंगे? उसे तो प्रधानमंत्री को अगर 18 घंटे काम करे जब भी, हमारा काम पूरा नहीं होता, देश का इतनी समस्या है भाई। चलिए दादी जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, अच्छा आप किस लिए आए? वो सही आगे थे, बस ही आगे थे। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ? बंदा की पार्टी हो रही है जी, बंदा की पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी है यहाँ। अच्छा अच्छा, कौन आ रहा है यहाँ जी, किसे सुनने आए आप? हम भी देखने आ गए थे। अच्छा आ गया आपको बहन जी की तरफ से? बहन जी को देखने आए। अच्छा, अच्छा। तो न्याय अपने आप ही आए? आपको ही आए, आपको ही आए। अच्छा तो क्या वोट दोगे बहन जी को? हाँ बहन जी को वोट देंगे। पहले से ही दो, पहले किसी और को दिया था? पहले से ही देते हम तो। अच्छा तो क्या कुछ चाह रही है आप काम? क्या कुछ काम चाह रही है आप बहन जी से? हो जाए आपका बहन जी तो बस कुछ भी पा जाए मेरा तो। अच्छा, दुकान कर रखी। अच्छा जी, और बस क्या ना कच्चे से कोठे मारा है। अच्छा, और नु कह रहे हैं योगी सरकार ने बहुत काम करवाया, उन्होंने आवास योजना में मकान बनवाया, आपका नहीं बनवाया? बनवाया हमारा भी, बनवाया आपका भी। अच्छा, तो वोट दोगे फिर उन्हें? हाँ। इनते ही दोगे? इनते ही देंगे, बनवा जाए, बनवान दो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट इनते ही देंगे। हाँ। अच्छा चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं जी। मेरे साथ और कुछ महिलाएं मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेमता। मेमता, अच्छा आप किस लिए आए आज यहाँ पर? बहन जी के मरवाए। बहन जी के लिए आए? हाँ। अच्छा क्या कुछ कह रही है बहन जी? कुछ सुना है, कुछ पता चला है कि क्या कुछ हो रहा है? बहन जी के माल तो जानते साथ था, माल तो भी जानते भी साथ था बहन जी की। अच्छा, कोर्ट भी बहन जी को दे रहे? अच्छा, हम तो भाई गरीब की सरकार नु कह रही है, हम तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ तो कर लेना, मैं तो कुछ दे मालो। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला? क्या कुछ चाहते थे आप जो नहीं मिल पाया? हमें कुछ नहीं मिला। नहीं चाहते क्या थे? हम तो भाई, हमें तो मान सम्मान चाहिए। तो कह रहे सुरक्षा मिल रही है, बहन बेटियां बाहर जा सकती है। भाई सुरक्षा तो बहन जी किसको मिला? योगी सरकार में नहीं मिल रही। अच्छा हाँ, मन मिली कुछ। और समाजवादी पार्टी में? वो तो गुंडी आई, बस गुंडी है वो, गुंडा आई भी 100 रुपया गुंडा राजा तो भाई। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री। सावित्री जी, अच्छा सावित्री जी आप बताइए, आप किस लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं? बहन जी के लिए। बहन जी के लिए आए? क्या कुछ कह रही है बहन जी, कुछ सुना है? हाँ सुन रहे। क्या कुछ देखा है आप? जो बहन जी कह रही है हम सुन रहे हैं, हम तो बहन जी के साथ हम तो नहीं देख रहे। अब क्या किसी को वोट देता? कोई नहीं किसी का कुछ भी करता। अच्छा हाँ, अच्छा सब बस अपने इसके पीछे है। अच्छा, आपने किसको वोट दिया था पहले? हमने तो सही देते आ रहे, जिस दिन तो आ रहे वोट। अच्छा, फिर भी नहीं हो रहा था? हमारा कुछ नहीं हो रहा, फिर क्यों दे रहे आप वोट? तो देनी पड़ा मजबूरी। मजबूरी क्यों आई नहीं कहीं से वोट तक? हम किसी को दे दो, हम बीजेपी को दे दो या हम किसी को और को दे दो, जब हमारी वोट लगती है हम तो फिर से देंगे अपने को। अच्छा वोट लगती नहीं? अच्छा तो आप इनसे ही देवो वोट, हाथी पे देवो? हाथी पे देवोगे? और फिर आपके काम नहीं हो रहा? ना होगा। अच्छा, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। अच्छा, कह रहे भाजपा ने बहुत काम करवाए दलितों के भी और मुस्लिमों के? हाँ करवाए, वाले तो बाजी हुई नहीं। अच्छा, बदबाजी कहाँ होगी? वहाँ बस वीरपुर में भी हुई, रहा भी हुई, कहीं कहीं हुआ था, यहाँ मुजफ्फरनगर में भी कन्ना कहा था हुई। हाँ, लंबी जमात दलित की, वहाँ क्या बिगाड़ा हमका? दलित की नहीं थी वहाँ, कहाँ और दलित तक सुनाई? हो नहीं रही सही, हो रही का? अच्छा, अब इसमें बताते हैं, फोटो तो बना रहा, राशन नहीं मिला, ये कोई बहन के लिए थोड़े जाने वाले, तू कह राशन भी मिल रहा है योगी सरकार में? अरे बहन तो गेहूँ काटो, तो मेहनत करने वाला आदमी, फिर भी करेंगे भाई, हमें कोई पूछे रहा बात नहीं लेगा। अमन चाहिए फिर का, हम तो काटते अगर खाओ, मेहनत करने वाला आदमी सही चाहिए, सुरक्षित अपने कारण खाओगे गलत तो नहीं। अच्छा, वोट हम देंगे फिर बहन जी को। बहन जी को? चलिए और महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनका क्या नाम है? संतोष।
संतोष जी। अच्छा आप किसकी तरफ जा रहे हैं? मायावती की जा रहे हैं। अच्छा आपका नाम? सलोचना जी। अच्छा क्यों दे रहे हैं मायावती जी? मायावती मेरी अच्छा काम करा है मायावती ने, मोदी ने तो हम उजाड़ दिए। अच्छा क्या है उजाड़ दिए? उजाड़ दे मेरी लड़की पे मार गई चार का लगा के नमटा दी थी योगी ने, कोई देखने भी नहीं गया था अस्पताल लगाया था योगी ने, अस्पताल में डॉक्टरों ने लगाया था, दिमाग को देखभाल भी थी। हम गरीब तक अस्पताल में सारी गाड़ी में लेके चले गए। मेरी लड़की किस साल की थी? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, सुनाई भी नहीं कहीं हुई है कुछ नहीं। हम तो जड़े बैठे हम भैन जी के खेल है मेरी बहन जी, सही है अच्छा काम करा इसके राज में, हमें कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं भी, ऐसी दुर्घटना नहीं हुई मेरे बच्चों के लिए, नहीं ऐसी हुई है जैसी इसमें हो रही। हम तो इसमें परेशान हो गए कि इसमें सरकार में बहुत दुखी होगी, कैश देकर भरवाने के पैसे नहीं है। कह रहे कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए और चूल्हा दिए, उसका फिरमा मारेंगे सिलेंडर भरवा 1000 रूपए भरे जाएंगे। महिलाओं को सम्मान दिया, पहले चूल्हे पे बना के रहती, अब बना रही गैस मोदी का सिर फोड़ दो। हम जो सिलेंडर खाल में धरे, मारे सिलेंडर खाल में धरे, हमें कोई पैसा नहीं मिला ना कोई लाभ मिला, हम तो जुड़े बैठे मैटो करी हुई मिला दे रहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिलेंडर दे रखे, फ्री राशन मिल रहा, आवास योजना में मकान दे रखे, अपने सिलेंडर खाका हम तो लकड़ी चुक रहे बाल रहे। 1,25,000 बैग में दिए मैंने, मेरे को मतलब लोन का कर्जा करते धरोगे सिर पत्थर झूठ के कहते हैं तेरे पैसे कहाँ थे खत्म, कोई रुपा ने मेरी चले गए जो लड़की के नाके के रखे थे जवाब मैंने। अच्छा तो कोई नहीं देने का, हम तो क्या कह रहे हैं जी भी नहीं देने की, सुना बात बहन जी के विधायक खा लेंगे, बहन जी के विधायक हम तो शिक्षा होंगे साफ कहना सुखी रहना, बहन जी के विधायक खावा हमारे लोग फिर नहीं मिलता था मिलने का नहीं, फिर काम बढ़िया बढ़िया ही नहीं। चलिए कुछ और बाबा जी, बाबा जी क्या नाम है? अमर सिंह गौतम। अमर सिंह जी जी। अच्छा आप किस लिए आज यहाँ पर किस लिए आए? है जी बस सरकार बनने की खुशी मार है भाई साहब। अच्छा किसकी सरकार बन गई? बहन जी की। और वो कह रहे कमल खिल रहा है जी, वो कह रहे कमल खिल रहा, कौन कह रहा? वो कह रहे अजी, वो तो पहले ही पूछ गया था भाई साहब, कमल तो बहुत पहले किचन में छुप गया था, बार नहीं खेल रहा ना जी, खेलना नहीं उगने का भी नहीं। और साइकिल वाले कह रहे साइकिल चल रही है, वो तो पहिए भी निकल पड़े उसके तो, और ताड़ी भी अलग अलग, ताड़ी भी अलग है, हाथी चल रहा, हाथी दौड़ गया जी दूर लो। अच्छा जी। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप इन्हें? ये पूछो जी कि मुद्दा कौन सा नहीं है? नहीं बताओ तो, किन मुद्दे? 99% मुद्दे ही मुद्दे हो, एक दो बताओ तो। एक दो दो मुद्दा हो, इन लोग बका लिए, राम मंदिर बना लिया, अब जनता के लिए हो, जनता के लिए नहीं चुनिंदाओं के लिए बना हुआ, मार सम्मानवादी बैठे के ना कोई दलित है ना कोई पिछड़ा है, मंदिर में पुजारी एक भी नहीं है, तो ये मुद्दे नहीं है। कोई सी भी सरकारी संस्था ऐसी नहीं है जो नहीं बेची हो इसमें, बताइए और क्या मुद्दे होंगे? नौ युवक हम गाय पढ़ाई लिखाई करके ठाली पीता, उनके माँ बाप अपना मजदूरी करो ना खर्चा दे, मैं बेकार है ना मजदूरी के ना नौकरी के, तो मुद्दा क्या होगा भाई साहब? क्या कह रही थी? मशीनों में तो गड़बड़ होगी थी, पहले भी पांच जीत रही थी। अच्छा मशीनों में होगी थी गड़बड़? हाँ, और गरीब कभी हो सका आप मीडियम वाले बोले जब तुम इतना पढ़ नहीं रहे नहीं, हाँ तो आप जब तुम मीडियम वाले बनने हैं तुम इन्हें कहीं वो करोगे तो जब ही तो होगा, जब लाइव चल रहा है जी, लाइव चल रहा है आपका, जब तक हम कुछ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हमें कोई पूछ नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो पूछ रहे हैं लाइव चल रहा, हम आपको कई लाख आदमी देख रहे, हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि दुनिया तो अच्छा रुक्षित हो जाए, वही ठीक है। मोदी का ऐसा हो रहा था वो अपने तरह जी तो ना चौदह ना से गड़बड़ रखी मशीनों में। अच्छा हाँ बटन तो पाओ हाथी का चार टिकट से हम कुछ देते ना हाथी को देते आ रहे हैं तो रात में मार कर दिए तो एक हाथी को दे वोट काली मत दीजिए काली मत दीजिए और पटन को रखा दी ना गए ना और वो तो अब कभी हो सका है नु कह रहे तुम गड़बड़ी अब कभी हो सकती खड़बा देख कर हो जाएगा जो गड़बड़ करेगा उसको खुद ही नाश हो जाएगा हम तो हाथी को देना अपना हाथी को ही देना। अच्छा चलिए और महिलाओं से बातचीत करते हैं। Thank you.
और महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सरोज। सरोज सरोज जी, आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आपकी बार मायावती की, मायावती की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? माणक मूसा आए। अच्छा, तो बताओ किन मुद्दे पर वोट दे रही है आप मायावती जी को? किस मुद्दे पर? हमारी जाति बिरादरी। अच्छा, हाँ। अच्छा, काम नहीं करा इन्होंने? करो या ना करो भाई, करो या ना करो वोट इन पे जाएगी। वहाँ दूसरी बात है। अच्छा। आकर सब दुनिया अपनी जाति बिरादरी पर मर रहे, हम भी अपनी जाति पर ही रहेंगे भाई। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या चाहो तुम? क्या काम, कुछ क्या होना चाहो? क्या चाहो तो कुछ भी चाहते, जो होगा सबके लिए, जो नहीं होगा वो सबके लिए होने का। वोट ही नहीं दोगी? हर लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार महिलाओं को सम्मान दे रही और घर भी दे रही। अरे कुछ तो देखता ही आ रहा होता, फोन भी तो वही चूस रहा हमारा। कहाँ चूस लिया? अरे 9,000 तक के जाए सिलेंडर, बता क्या मिले भी तो फ्री में थे गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में। फ्री में तो मिले थे तो मेरी भी तो नहीं ले लिया उन्होंने, बारे बता इतना ही ले लिया। इस तो भी ज्यादा ले लिया भाई। अच्छा, वही काट बातचीत करते हैं। आपको क्या नाम है? कविता जी। अच्छा, आप किस लिए आज यहाँ पर आए? किस लिए आए आज? अपने बहन जी के लिए आए। बहन जी के लिए आए? क्या कुछ कहा बहन जी? कह रही सुन रहे, वो प्रचार कर रही, वो सुन रहे। अच्छा, वोट किसे दे रहे? अपनी बहन जी को देंगे। पहले किसे दी थी? अपनी बहन जी को। बहन जी को ही दी? सरकार लोग कह रहे हैं हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। वो तो सबको दे रहे, हम ही दे रहे। अच्छा, वो सबको दे, सबके लिए। जो मान लो इसकी सरकार होती है देती है, इसकी सरकार हमें दे रहे। हाँ, वो तो सबके लिए तो हमारे ही दिए। और किसी को दे रही? अपनी बहन जी को देंगे। हम कह रहे समाजवादी भी बहुत बढ़िया अखिलेश यादव। नहीं, हम तो अपनी बहन जी को देंगे। बहन जी को देंगे? आपका क्या नाम है जी? सोनिया। सोनिया जी, आप कहाँ से आए? ये कपास से आए। आप किसको दे रहे हो? अजी बहन जी को देंगे। बहन जी को दोगे? अच्छा, किन मुद्दों पे दे रही है आप बहन जी को? क्यों जी मुद्दा ना, पहले थी बहुत साल पहले बहुत तरक्की करी, और इसकी इसमें कुछ भी तरक्की नहीं है, ना राशन कार्ड है, ना कोई चीज है, ना मजदूरों को हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हमें फायदा क्या है? आप ही बताओ। फायदा कुछ नहीं है हमें, कोई फायदा नहीं है। तो मायावती जी करेंगी फायदा? हम तो मायावती जी करेंगी फायदा, करेंगी। चलिए देखिए, मायावती बहन जी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लगाया गया है ये मंच वहाँ से संबोधित कर रही हैं, और कुछ महिलाएं जो है यहाँ से उनको सुनकर तालियां बजा रही हैं, और कुछ लोग हमारे साथ और भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा कि आपके पास हुजूम जुड़ चुका है, और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर उत्सुक हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब कौन है? बहन कुमारी। बहन कुमारी कहाँ से आए? मायावती जिंदाबाद। अच्छा, कहाँ से आए आप? मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है, आए कहाँ से आप? कहाँ से आए आप? शेखपुरे से आए। अच्छा, नु बताओ किसे वोट दे रहे? मायावती को देंगे। किन मुद्दों पर वोट दे रहे? हत्ती पर देंगे। मुद्दे बताओ, मुद्दे मतलब क्यों दे रहे वोट? लुई भी देख रहा है वोट। तो काम करेगा उसी, इसीलिए तो दोगे? काम कराया मतलब? क्या कुछ काम चाहिए आपको? काम कराया तो क्या काम कराया उन्होंने बताओ, कुछ काम कराओ। मैं कह रहे हैं भाजपा सरकार कर रही काम, तो हम तो क्या मुस्लिमों के मकान बनवाए, फ्री राशन मिल रहा, चने भी मिल रहे हैं, और क्या? आप बोल तो बोल। मायावती को देंगे वोट? मायावती को दोगे? मायावती को हाँ जी दोगे? श्री मायावती। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार सिंह का, जनता रोड सहारनपुर। कहाँ से आया? सहारनपुर जनता रोड का। अच्छा, किस लिए आया यहाँ पर? किस लिए आया? श्री मायावती बहन जी को वोट देने के लिए, देखना बहन जी हमारे मदद करती है, हमारे साथ रहती है, हम इसके लिए साथ है। आपके साथ रहती है? हाँ जी, हम वोट देने के लिए उसके लिए तैयार है। भाई भाजपा सरकार ने क्या नाम के, एक तो गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, और भाई क्या नाम, महंगाई बहुत बढ़ गई, और भाई क्या नाम,
फर्स्ट प्रायोरिटी है यूपी में बेरोजगारी, हम सब बेरोजगार है। 2019 में हमने रैली का फॉर्म भरा था, अब ग्रुप डी में क्या बोलते हैं, दो एग्जाम हो गए, एनटीपीसी में गड़बड़ी कर दी है। एग्जाम में एसआई का एग्जाम हुआ था अभी, एसआई का हमारे दोस्तों के एक है छोड़ा ये वोट पास आए तो हाँ बिल्कुल था, मुजफ्फरनगर से आया, मुजफ्फरनगर पे अब वोट जागी तो अस्सी पे जागी और कहीं नहीं जाने की। अरे ना पप्पा वो तो वहाँ भेजे गए पहाड़ों में और कहीं नहीं भेजने के पहाड़ों में जाके दो खाली बढ़ेगा, चार रंग दे दे हजार खाली बढ़ेगा, भाजपा सरकार बहुत काम कर रही है, एकदम झुटे गैस सिलेंडर का दाम, साले पेट्रोल के दाम नहीं, पेट्रोल के दाम खाली कर रखे सबके घर पड़े खाली जी। बापा जी किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप, बताएंगे किन मुद्दों पर दे रहे हैं, विकास के मुद्दों पे, बहन जी के विकास के मुद्दों पे, जो बहन जी कहते हैं वो करके निभाती है, इनकी दोनों की तरह ऐसे नहीं कि हाँ इनके झूठे झूठे वादे हैं सर भैया, देख लो सात सौ सीटा लिख रहे हैं बहन जी, अनु कह रहे साइकिल और फूल गूंज रहा है, तो कुछ भी नहीं होता है, रख लेंगे दोनों के दोनों फूल भी रह गया और बहन जी भी पैर रख दे हत्ती है पैर यहाँ बहन जी सरकार, बहन जी की आओगी अंदर वाली 2007 की ढाल आओगी इनका सरकार, बहन जी की सरकार। अच्छा बाबा जी किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, हम अपने मुद्दों पर कह रहे हैं अपनी ताकत का मुद्दे, मुद्दे सारे हम है, एक एक छोड़ गिरा था एससी का वोट बिल्कुल, और मुसलमान कह रहे योगी बाबा आ रहे हैं योगी कुछ नहीं कर रहे पहाड़ों में जाकर वोट गिरा वोट सबको भगा रहे हैं। चलिए और महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, कश्मीरी किस लिए आया यहाँ, महान जी को देखा वोट किसे दोगे, किन मुद्दों पर दोगे वोट, क्या चाहिए हमें, सब कुछ रोटी चाहिए बस दे लो आदमी को, और कह रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं भाजपा वाले, कोई नहीं कह रहा है किसी के कस्टम पैसा आया विधवा लोग करिए रो रही बच्ची रो तो रांडा दाद की के हम बिल्कुल मारे नाच भी मिल रहा नाच नाच को हवा मारे छोड़ा भी चाहिए पकड़ो तभी नंगे फिरा बहन जी सब कुछ देगी हम ले लगी सरकार बहुत थोड़ा ही ले लगी कौन करना तो अपने आप बड़ा थोड़ा हम तो भाई बहन जी को देंगे वो और परिवार को को जिंदाबाद मायावती को देंगे वो बांध रखी वाले ना और गैस सिलेंडर कहा वाले ना दे रहे फ्री में मिला हमें नहीं चाहता हमें नहीं चाहता खाली रखे गैस सिलेंडर खाली रखे बाल कह रही थी अरे बाल कह रही थी कपड़े में चाहिए कपड़े में चाहिए हाँ तने कपड़े मारे बहन जी चाहिए बड़ी ना आशीर्वाद बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है भाजपा को सत्ता तो बाहर 2007 के ढाल बहन जी सारे बच्चों का भविष्य सुधारना अपने गैस सिलेंडर चाहिए मायावती जिंदाबाद फ्री राशन मिल रहा हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए राशन चाहिए राशन उसन किसी का हम नहीं मिल रहा राशन उसन किसी का नमक चाहिए जिंदाबाद मायावती चने भी मिल रहे रिफाइंड भी मिल रहा भी मिल रहा सब कुछ हमारे जगह तो स्कूल तक बैठा रखे घर हमारे जगह तो स्कूल तक बैठा रखे हमारे बच्चों की फीस ले रहे घर बैठा रखे फ्री में कोरोना की वजह से बच्चे फीस क्यों ले रहे 18,000 रुपए ले रहे बच्चों बताए हाँ हमारे जगह तो स्कूल तक घर बैठे पढ़े लिखे कोई नौकरी नहीं कोई कामयाबी नहीं फिरा रले बड़े दक्कत भी खेलते घरों अच्छा देखिए ये मायावती बहन कुमारी मायावती जी की रैली में यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत करी है कुछ लोगों से बातचीत करिए निष्कर्ष निकल कर यही आ रहा है कि एक तरफा वोट जो है हम बहन मायावती को देने वाले हैं दलित समाज। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं अपने सहयोगी लक्की